हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिज़ाइन ऑफ ड्रेस। जैसे कि आप जानते ही हैं कि मार्केट आर फ्लोटेड, मार्केट जो है वो भरी हुई है विद डिफरेंट टाइप ऑफ फैब्रिक, अलग अलग प्रकार के फैब्रिक से। ईच फैब्रिक हैज़ इट्स ओन यूनिक करेक्टरिस्टिक, हर फैब्रिक की अपने खुद की एक अलग करेक्टरिस्टिक पहचान होती है। सम फैब्रिक आर सूटेड फॉर ड्रेस मटेरियल, कुछ फैब्रिक ऐसे होते हैं जो ड्रेस मटेरियल के लिए यूज़ करे जाते हैं, वाइल अदर फॉर ड्रैपिंग और अपहोलेस्ट्री, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो ड्रैपिंग के लिए या फिर अपहोलेस्ट्री मतलब घर की साज सजावट के लिए यूज़ करे जाते हैं। एट द सेम टाइम ऑफ परचेज द बायर ऑल्सो नीड टू कंसिडर एडिशनल फैक्टर लाइक पर्पस, कॉस्ट, क्वालिटी, ड्यूरेबिलिटी बिसाइड ईल्स ऑफ मेंटेनेंस एंड कम्फर्ट। लेकिन इसके अतिरिक्त जो बायर होता है उसको कुछ बातों का और ध्यान रखना पड़ता है कि वो किस पर्पस के लिए फैब्रिक खरीद रहा है, उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या है, ड्यूरेबिलिटी क्या है, उसको वो किस तरीके से उसकी देखभाल कर सकता है या फिर उसकी कम्फर्ट के लिए वो ठीक है या नहीं है। मार्केट जो है वो ऑल्सो फ्लोडेड है विद रेडीमेड गारमेंट्स से अवेलेबल इन ऑल साइज एंड प्राइस। आप लोगों को पता होगा मार्केट में हर साइज और प्राइस, हर रेडीमेड गारमेंट जो होते हैं वो आपको हर प्राइस और साइज में अवेलेबल होते हैं। तो हमारा सबसे पहले आता है एज फैक्टर। कपड़ों का चुनाव एज के अनुसार करना चाहिए। सभी उम्र में एक ही रंग के वस्त्र अच्छे नहीं लगते हैं। जो वस्त्र आपको बच्चों पर अच्छे लगेंगे ज़रूरी नहीं कि वही वस्त्र आपको बड़ों पर भी अच्छे लगे। तो हमें हमेशा एज को देखते हुए अपने कपड़ों का सिलेक्शन करना चाहिए। जो एज फैक्टर है वो आपके पांच पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले आपका इन्फेंट, इन्फेंट बोलते हैं नवजात शिशु, न्यूबॉर्न बेबी को। उसके बाद आपका टोल्डर, फिर आपका एडोलसेंट, एडल्ट और ओल्ड एज। तो जो आपका इन्फेंट होता है, जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, उनकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो इसके लिए आपको सॉफ्ट पेस्टल कलर यूज़ करने चाहिए, कम्फर्टेबल होना चाहिए कपड़ा, लाइट वेटेड होना चाहिए, गुड कंडक्टिविटी होना चाहिए, इजी एंड फास्ट टू ड्राई होना चाहिए, स्मॉल प्रिंट यूज़ करने चाहिए, उसी के साथ लार्ज नेकलाइन यूज़ करनी चाहिए, जो फास्टनर है वो शोल्डर पे होने चाहिए एक्स्ट्रा अलाउ। उसके बाद आपको स्ट्रॉन्ग थ्रेड वगैरह यूज़ करने चाहिए। और उसके बाद आप लोगों का आता है चिल्ड्रन या फिर टोल्डर। तो इसके लिए